फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी वुमनिया। गाइस, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और इस मौसम में कोई भी बाहर यानी कि धूप में जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और ज्यादा देर धूप में रहने से स्किन टैनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और कोई भी नहीं चाहेगा कि इस मौसम में उसकी स्किन को किसी भी तरह से कोई भी नुकसान पहुंचे। लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में तो घर के अंदर बंद होकर नहीं रह सकते ना, इसलिए घर के और ऑफिस के काम की वजह से इस चिलचिलाती धूप में जाना ही पड़ता है और इसका खामियाजा हमारी नाजुक स्किन को भुगतना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि टैनिंग कई तरह की स्किन से जुड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है, जैसे समय से पहले बुढ़ापा, दाग धब्बे और त्वचा का झुलस जाना। लेकिन हमारे होते आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में गर्मियों में होने वाली सबसे बड़ी परेशानी स्किन टैनिंग से निपटने के घरेलू उपाय के बारे में ही बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको स्किन टैनिंग को ठीक करने के तरीके बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि लाइफस्टाइल से जुड़ी हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बताते हैं आपको स्किन टैनिंग को दूर करने के घरेलू नुस्खे। स्किन टैनिंग को दूर करने का पहला तरीका, नींबू और खीरा। ये दोनों ही स्किन के लिए अद्भुत काम करते हैं। नींबू में विटामिन सी और सिट्रिक एसिड होता है, जो स्किन को चमकाने में मदद करता है। नींबू में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट सूरज की किरणों से हुए नुकसान को कम करते हैं। इसके अलावा खीरा त्वचा को ठंडक देता है। आप इन दोनों का रस निकाल कर मिश्रण तैयार करें और रूई की मदद से अपनी स्किन पर लगाएं। ये शरीर और स्किन के लिए एक प्रभावी उपचार के रूप में काम करता है। स्किन टैनिंग दूर करने का दूसरा तरीका, चंदन पाउडर। चंदन पाउडर स्किन और चेहरे की देखभाल के लिए एक बहुत ही बड़ा और अच्छा उपचार है। ये काफी पुराने समय से टैनिंग को हटाने और स्किन के लिए एक क्लेंजर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दाग धब्बे कम करने में मदद करता है और स्किन को चमकाता भी है। इसके लिए गुलाब जल या फिर नारियल पानी के साथ चंदन पाउडर का एक चम्मच मिश्रण तैयार करें और अपने चेहरे पर लगाएं। इसे हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। स्किन टैनिंग दूर करने का तीसरा तरीका, शहद और पपीता। पपीते में पाइपन नाम का एक एंजाइम होता है, जिसमें स्किन को चमकाने और टैनिंग दूर करने के गुण होते हैं। ये स्किन पर निशान और काले धब्बों को भी कम करने में मदद करता है। हनी आपकी त्वचा को नमी और मुलायम बनाती है। अपने चेहरे से टैनिंग को हटाने के लिए हफ्ते में 4 बार शहद और पपीते का ये पेस्ट जरूर लगाएं। स्किन टैनिंग दूर करने का चौथा तरीका, बेसन। बेसन स्किन से डेड टिश्यू को हटा देता है। गुलाब जल के साथ हल्दी और बेसन को मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के लिए इसे लगाकर छोड़ दें और फिर अपने चेहरे को धो लें। ऐसा वीक में 2 बार करें। और स्किन टैनिंग दूर करने का पांचवा और आखिरी तरीका, टमाटर और दही। टमाटर स्किन से काले धब्बों को हटाने के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इसके अलावा दही स्किन को नमी देता है। ये फेस से तेल को कम करने में मदद करता है। इसके लिए टमाटर और दही के पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और कुछ ही मिनटों के बाद अच्छे से अपने चेहरे को धो लें। ऐसा वीक में 4 से 5 बार करें। हमें उम्मीद है कि ये टिप्स आपको पसंद आए होंगे। ऐसी ही लाइफस्टाइल से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए क्रेजी वुमनिया के साथ।